नमस्कार दोस्तों, ड्रूपल 7 इन हिंदी में आपका स्वागत है। ड्रूपल हम कैसे अपनी लोकल मशीन में इंस्टॉल करें, सबसे पहले इसको कवर करेंगे हम आज। तो ड्रूपल को इंस्टॉल करने से पहले उसका सेटअप चाहिए हमें। उसके लिए हम ड्रूपल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, ड्रूपल कोर, ये आपको URL मिलेगा drupal.org/project/drupal। यहाँ पर आपको ड्रूपल के रिकमेंडेड रिलीज़ वर्जन्स मिलेंगे, जो आप वर्ज़न यूज़ करना चाहते हैं। हम ड्रूपल 7 कवर कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों हम ड्रूपल 7 डाउनलोड करेंगे। ड्रूपल 7.43 कोई सा भी वर्ज़न आप डाउनलोड कर लीजिए, हम जिप करते हैं। ये डाउनलोड हो गया हमारा, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। कॉपी उसके बाद हम फाइल सिस्टम के अंदर वेयर के अंदर www के अंदर Drupal 7 इन हिंदी इसके अंदर ये सेटअप पेस्ट कर देंगे। दोस्तों हम इसका नाम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, Drupal 7, ठीक है, यहाँ पर जो आप देना चाहें हम यही रखते हैं Drupal 7। कॉपी कर लीजिए। उसके बाद हम जाएंगे अपनी local/Drupal7/Drupal7। देखिए ये इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस आ गया। यहाँ स्टैंडर्ड मिनिमल स्टैंडर्ड चूज़ कर लीजिए, सेव एंड कंटिन्यू। दोस्तों यहाँ पर ये देखिए लैंग्वेज Drupal इंग्लिश डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश में आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज अदर लैंग्वेज में हो तो आप जो आपको ये लैंग्वेज यूज़ करनी है वो यहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और उसको यूज़ कैसे करना है इस लिंक पे क्लिक करके आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप दूसरी लैंग्वेज में डाउनलोड करेंगे तो इंस्टॉल करेंगे तो वो आपकी सोर्स लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज बन जाएगी। बाय एग्जांपल के लिए हम अगर हिंदी में इंस्टॉल करें तो आपकी जो सोर्स और डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज हिंदी हो जाएगी। हम यहाँ इंग्लिश में इंस्टॉल करते हैं इसको, सेव एंड कंटिन्यू। देखिए यहाँ पर ये कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा है Drupal से रिलेटेड। हमारा वेब सर्वर है अपाचे, वर्ज़न PHP का वर्ज़न 5.3, ठीक है। इतना यहाँ पर दो एरर आ रही है, एक फाइल सिस्टम एक सेटिंग फाइल्स में। तो फाइल सिस्टम एक एरर आ रही है, द डायरेक्टरी फाइल डज नॉट एग्जिस्ट है। तो सबसे पहले हम इसको Drupal 7 के अंदर साइट के अंदर डिफ़ॉल्ट के अंदर एक यहाँ फोल्डर बनाएंगे फाइल्स नाम का, ठीक। अब देखिए एरर चेंज जाएगी, ये अब आ गया फाइल्स इज़ नॉट राइटेबल। ये परमिशन इसको देनी पड़ेगी, डायरेक्टरी को देनी पड़ेगी। दोस्तों अगर हम यहाँ पर विंडोज़ यूज़ कर रहे होते तो ये प्रॉब्लम ना आती, क्योंकि Ubuntu है, सिक्योर है, तो इस वजह से हमें परमिशन देनी पड़ती है। परमिशन देने से पहले ये एक दूसरी एरर है, setting.php। इस डायरेक्टरी में हमें setting.php की फ़ाइल बनानी पड़ेगी। उसके लिए इस default.setting.php को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और इसका नाम वही रख देंगे, setting.php, ठीक है। रिफ्रेश कीजिए, देखिए एरर चेंज हो गई। कुछ मिस्टेक हुई, स्पेस छूट गया, ठीक है। अभी देखिए ये नॉट राइटेबल बता रहा है। अब हमें इसे परमिशन देने की, Ubuntu में परमिशन देने के लिए सबसे पहले उस डायरेक्टरी में जाएंगे, ठीक है, Drupal 7 हिंदी
इसके बाद परमिशन देने के लिए chmod 077 rf, फोल्डर का नाम जिस फोल्डर को आपको परमिशन देनी है। हमने Drupal 7 रखा था, एंटर मार दीजिए। पासवर्ड मांगेगा, आप अपने पीसी का पासवर्ड दे दीजिए। परमिशन मिल गई, रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए परमिशन एरर चली गई। अब दोस्तों यहाँ हम डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ सेटअप करेंगे, तो इसके पहले हमें लोकल PHP माई एडमिन में जाके एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। डेटाबेस Drupal 7 डेटाबेस का नाम आप जो चाहे दें, हमने दिया Drupal 7 डैश इन HI कर देते हैं हिंदी में, क्रिएट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो आपने डेटाबेस बनाया है उसका नाम दे दीजिए। डेटाबेस का यूज़र नेम आपका जो हो रूट, पासवर्ड जो हो वो डाल दीजिए। उसके बाद कुछ एडवांस ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ये मैंडेटरी है। डेटाबेस होस्ट जो कि लोकल होस्ट है, डेटाबेस पोर्ट का भी आप दे सकते हैं, और यहाँ पर है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स दोस्तों हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अपने टेबल को हम सिक्योर बनाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ नाम दे देता हूँ ABC, तो अब जो हमारी टेबल्स बनेंगी वो इस नाम से बनेंगी, ABC_table, और आपकी जो टेबल नेम जो Drupal इंस्टॉल करेगा वो इस फॉर्मेट में आएंगी। तो ये सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं, तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो अभी इतना ही हम सेव कर देते हैं। इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ साइट इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेंगी, जैसे यहाँ साइट नेम, जो आप साइट नेम यहाँ देना चाहते हैं अपनी वेबसाइट का। Drupal 7 हमने हिंदी में दे देते हैं, Drupal 7 इन हिंदी। साइट ईमेल एड्रेस आपको देना पड़ेगा, हम दे देते हैं, आप जो प्रेफर करें वो दें। यूज़र नेम आप अपनी साइट में यूज़र नेम पासवर्ड देना होगा, आप जो दे दें, ठीक है। उसके बाद सर्वर सेटिंग, यहाँ पर आप ऑप्शनल करना चाहें, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंट्री आप अपनी सेलेक्ट कीजिए, इंडिया। टाइम जोन के लिए एशिया कोलकाता। अपडेट नोटिफिकेशन ये हमें अभी चाहिए नहीं, क्योंकि हम लोकल पे हैं। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों यहाँ तक Drupal इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब आप विजिट योर न्यू साइट पे क्लिक करके अपनी वेबसाइट पे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों ये वही दिया, वो वेबसाइट का आपका टाइटल है Drupal 7 है हिंदी, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे Drupal 7 पे इन हिंदी में और भी चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।